बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है और बंगाल के इस झगड़े में अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की एंट्री भी हो गई। दरअसल टीएमसी नेताओं ने राष्ट्रपति कोविंद को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की है, लेकिन इस सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी क्या है देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 27 दिसंबर को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सौरभ गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा होने लगी थी। हालांकि सौरभ गांगुली ने इनकार किया, लेकिन बंगाल के बैटल में दीदी वर्सेस दादा के कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों से गर्म इस माहौल में इस चिट्ठी ने आग में घी डालने का काम किया है। चिट्ठी टीएमसी नेताओं की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी गई है। इस चिट्ठी से टीएमसी नेताओं ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की है। चिट्ठी पर टीएमसी के नेता सुखेंदु शेखर रे, सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, सांसद डेरेक ओब्रायन, सांसद कल्याण बनर्जी और सांसद काकोली घोष दस्तीदार के हस्ताक्षर हैं। टीएमसी का आरोप है कि राज्यपाल का रवैया संविधान के मुताबिक नहीं है। टीएमसी राज्यपाल को केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाला बता रही है। जे उनी राज्यपाल पदयोग्य नन एवं ज्ञानत इच्छाकृत भावे तिनी प्रतिदिन मुहूर्ते संविधान निर्देश, सुप्रीम कोर्टर निर्देश, आईनी निर्देश, प्रशासनिक नियम कानून समस्त के जलांजलि दिए केंद्र शासक दल लेजर वृत्ति करछेन। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। राज्यपाल राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। बीजेपी नेता इस मांग को ममता सरकार की बौखलाहट बता रहे हैं। पिछले दिनों जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, तब राज्यपाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमले की निंदा की थी। राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर खुलेआम यह आरोप लगाया था कि वो विपक्ष को राजनीति करने से रोक रही हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।